गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद आकांक्षा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं हूँ आकांक्षा। और आज मैं बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही यूनिक और बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए, आज का वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही काम का होगा और बहुत ही अच्छा होगा, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले कन्फ्यूज़ हुई थी और लास्ट में उसे मैंने डन किया बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ ऐसे करिए। और मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, अगर थोड़ा सा देख करके अगर आपने ये चीज़ करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप गलत करोगे, ये मेरा पक्का वादा है, क्योंकि मैंने शुरू में गलत किया था और लास्ट में फिर मैंने उसको सही किया है। तो इसलिए मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और उसके बाद उसको इंस्टॉल कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूडैक इंस्टॉलेशन, जिन्होंने ऑनलाइन परचेज किया है फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, तो उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, उसको असेंबल कैसे करना है, ये चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन परचेज किया था। और वो ऑनलाइन अगर कोई भी सामान आता है तो वो टुकड़ों में आता है, डिवाइड होके आता है, वो आपको एक बना बनाया नहीं दे करके जाएगा, वो एक छोटे से पॉकेट में टुकड़ों टुकड़ों में आता है। तो उसको आपको असेंबल कैसे करना है, उसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सूडैक इंस्टॉलेशन वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो, मैं अभी नहीं कह रही हूँ कि अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि जिनको भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ना आए ये वीडियो देख करके, वो भी इंस्टॉल कर ले और अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब भी करना चैनल को, अदरवाइज मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, करें। ये इस तरह के पैकेट में आया है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है इसे, तो पूरा पैक था, इसे मैंने खोल के देखा था इसलिए खुला हुआ है, तो मैं इसे आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा और मैं आपको डीपली दिखाऊंगी। इसके साथ ये वाला कवर आया था, इसमें इतने सारे रॉड आए हैं और ये प्लास्टिक का कुछ है और इसका एक कवर ये वाला आया है और इसके साथ ये बहुत सारे बैग टाइप से, और इस पर ना इसका सारा प्रोसीजर, सॉरी उल्टा है, इस पर इसका सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि इसे कैसे असेंबल करना है। तो चलिए असेंबल करते हैं इसको। और देखिए इस पर लिखा है सूडैक प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, कैसे इसे इंस्टॉल करना है ये दिया हुआ है, तो इसे देख करके मैं अभी इसे इंस्टॉल करती हूँ, आप लोग देखिए कैसे करती हूँ। खुश, अगर आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, मैंने जो किया उससे दूसरे को भी हेल्प हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मेरा 6C है तो ये वाला मैंने 6 पीस इसको मिला लिया है, 1 पीस ये भी है, 28 पीस ये वाला भी है, अब मुझे इन तीनों को काउंट करना है, 14 पीस एंड 24 पीस। तो सबसे पहले मैं इसे पहले मिला लेती हूँ कि हाँ इतना है कि नहीं है, कुछ कम तो नहीं है, तो पहले इसे काउंट कर लेते हैं। तो ये वाला मेरा पूरा है 28 और ये वाला भी मेरा 6 पीस है और एक ऊपर का कवर है वो भी 1 पीस है, चलो लंबा वाला 14 होना चाहिए। तो एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ये वाला भी कंप्लीट है 14 और ये बी ट्यू फोर्टीन। तो C 24
24। चलिए तो प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे पूरे हैं, कुछ भी कम नहीं है। तो अब इसे शुरू करते हैं असेंबल करना। दोनों साइड जो है वो ए लंबा वाला जो है वो ए है, उससे जो थोड़ा छोटा वो बी है और सबसे छोटा वाला सी है। तो दोनों साइड में ए रखेंगे और दोनों साइड में जो है वो बी आएगा ऐसे, और सी का जो पोजीशन होगा वो हर जगह ऐसे आएगा। तो पहले हम इसे कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सही की है, बस एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि ए वाला जो रॉड है लंबा वाला रॉड है, तो आपको यहीं पर इसमें वो जो प्लास्टिक बैग है वो घुसा लेना है लंबे वाले रॉड में दोनों साइड, फिर आपको अटैच करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बिना बैग लगाए मैं इसको अटैच कर रही हूँ, ये गलती कर रही हूँ, बाद में मुझे खोलना पड़ेगा। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। साइड वाले को भी, और सी सबसे छोटा होता है जो कि कॉर्नर में यहाँ पर लगेगा, खड़े में जितना भी लगेगा वो सी लगेगा। तो सबको पहले अलग अलग रख लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पाइप देख रहे हैं आप, ये लंबा वाला जो इसका पोर्शन है, ये लंबा वाला, तो इसे नीचे रखना है, इस तरीके से लगाना है ताकि ये पैर का भी काम करे, इसके गोड़े का काम करेगा। और इस दोनों में पाइप लगानी, ये हमेशा इस तरीके से लगेगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए अब मेरा ये बेस बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं फटाफट से। जब कोई सामान आता है ना तो लगता है कि चलो जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। मैं तो अभी फटाफट कर रही हूँ, अभी मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे खोलना भी पड़ सकता है, और फटाफट किए जा रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा था करने में कि वाह देखो मैं कर रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन बाद में जब पता चला कि अरे ये तो गलत हो गया, सारा प्रोसेस यही था, सब कुछ यही था, बस वो जो 6 पीस वाला पॉली बैग कह लीजिए, जो कह लीजिए सेल्फ कह लीजिए, पॉली सेल्फ वो है, उसे अटैच करना था ए रॉड में सबसे पहले। जैसे 14 पीस था तो उसे अटैच करके वो 7 पीस हो जाता, क्योंकि दोनों साइड रॉड लगना था। तब मैं ऐसे करती तो मुझे बिल्कुल भी खोलना नहीं पड़ता। बस लगाने की धुन सवार थी कि हाँ मुझे करना है करना है, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तभी वो सेल्फ को एक्चुअली मैंने खोल के देखा ही नहीं कि वो कहाँ अटैच करना, पहले मैं इसका जो होता है ना फ्रेम वो तैयार करने लग गई, तो इस चक्कर में रहा नहीं। जब मम्मी आई तो कही ये कैसे लगेगा, ये बाद में तो लगेगा नहीं, तो फिर मैं इसको क्या करी, सिर्फ ए वाला लंबा वाला जो रॉड है सिर्फ उसे दोनों साइड से खोल करके सिर्फ उसमें मैंने ऐसे घुसाया, और उसके बाद फिर मैंने उसे अटैच किया। पूरा मैंने नहीं खोला क्योंकि डबल मेहनत मैं नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने कहा था कि पूरा वीडियो देखिए, जो सही है वो कीजिए, गलत बिल्कुल मत कीजिए। तो देख रहे हो मैंने सिर्फ ए का एक साइड खोला है, उसमें से मैंने घुसाया और फिर दूसरे साइड का भी एक साइड, दोनों साइड निकाल करके फिर उसमें रॉड लगा करके फिर मैंने अटैच कर दिया है। तो इतनी मेहनत मुझे पड़ गई। ये काम आप अगर पहले कर लेते तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी, जो मैंने पहले नहीं की। जैसे 14 पीस आपका था लंबा वाला, तो आप दोनों साइड से पहले रॉड अटैच कर लो, उसके बाद आप इसे अटैच करना शुरू करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो प्रॉपर तरीका है। जो गलती मैंने की वो गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँ, क्योंकि टाइम आर सबका कीमती होता है और एक ही काम को दो बार करना बिल्कुल भी सही नहीं है, टाइम भी वेस्ट होता है और आपका मूड भी ऑफ हो जाता है। तो आप वीडियो देखिए और आराम से इस काम को कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। और जब ये तैयार हो जाएगा उसके ऊपर से आप इसे कपड़े डाल दीजिए, है ना। तो इसे मैं कपड़े पहना रही हूँ, और बांधने के लिए दो जगह फीता दिया हुआ है, एक बीच में दिया हुआ है, एक सबसे नीचे दिया हुआ है, तो दोनों को मैंने अच्छे से बांध दिया है। और आगे से इसका कर्टेन है लगा हुआ, ऐसे गिरा दीजिए, और अगर आपको इसे फोल्ड करना है तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ऊपर आपको चिपकाने वाला दिया हुआ है तो वहाँ पे आप ऐसे रख सकते हैं। तो ये हो गया है मेरा सूडैक इंस्टॉलेशन हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि कितना आसान है, वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से गलती हो गई, अदरवाइज़ नहीं होती। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा तो होता है। तो देखा आप लोगों ने मेरा वीडियो, इंटरेस्टिंग था ना, और आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने आपको क्यों बोला कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने शुरू में गलत किया था और बाद में मैंने उसे सही किया, तो इसीलिए मैंने कहा था आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर शुरू में देख करके आप अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है।
तो चलिए ये था मेरा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, अगर किसी को हेल्प मिला हो थोड़ा सा भी, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, ताकि उन लोगों को भी ये देख करके समझ में आ जाए कि हाँ कैसे इंस्टॉल करना है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, या फिर किस किस को इससे हेल्प मिला। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।